एमसीबी जिले के खड़गवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जिलगा संगवारी पारा में नवल सिंह के मकान को तोड़ने की घटना के मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। घटना को अंजाम देने वाले सभी लोग शराब के नशे में थे। आरोपियों में से एक व्यक्ति धान खरीदी केंद्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जुर्म कायम करने के साथ आगे की कार्यवाही जारी रखी है। खड़गवा थाना क्षेत्र के ग्राम जिलदा के संगवारी पारा में नवल सिंह का परिवार सरकारी जमीन पर 10 वर्ष से मकान बनाकर रह रहा था, जिसकी शिकायत तहसीलदार से ग्रामीणों ने की थी, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है और तहसीलदार के द्वारा जमीन को खाली करने का आदेश मिला था, जिस पर प्रार्थी नवल सिंह का कहना है कि SDM के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था, लेकिन शाम के समय ग्रामीणों ने शराब के नशे में यहाँ पहुंचकर मकान को तोड़ दिया। सागर सिंह द्वारा तोड़ा गया है। सागर सिंह, अखिल चंद, अयोध्या प्रसाद, राम नारायण, कुमार सिंह, संतोष सिंह, कंचन सिंह, लक्ष्मणिया, प्यारो भाई, ये गांव के लोग के द्वारा तोड़ा गया है। जी जी, गांव के लोग के द्वारा। क्यों तोड़ा गया बताएंगे पूरी बात को? उनका कहना कि सरकारी जमीन है, यहाँ से हटा लो घर। नवल सिंह की पत्नी रिंकी सिंह ने बताया कि यहाँ पर काफी लोग शराब के नशे में घुसे थे, जिन लोगों ने मारपीट की और फिर मकान में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। गाँव वाले नहीं दिए रहे, आए और वही मम्मी को खींच के बाहर निकाल दिए। उसके बाद ऊपर चढ़ गए, तोड़ फोड़ करने लगे, मजाने लगे। एकदम शराब पी के आए थे सर, लेडीज उतनी शराब पिए थे और जेंट्स भी शराब पी के आए थे। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उनमें से एक अकील चंद भी इसमें शामिल है, जो धान खरीदी केंद्र जिलदा का प्रभारी है। जब उससे इस बारे में बातचीत की गई तो उसने अनभिज्ञता जताने का प्रयास किया। वो मकान टूटा, किसने तोड़ा, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ना कि मैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरे दिन भर यहाँ धान खरीदी का काम किया, बस इतनी जानता हूँ। तो आपका नाम क्यों ले रहा है वो? अब वो नाम ले रहा है वो तो वही बताएगा, वो कहे कि वो संबंध में नहीं जानता। थाना प्रभारी खड़गवा विजय सिंह ने बताया कि मकान को तोड़ने की जानकारी मिली है। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाँव के ग्रामवासी इकट्ठा होकर और मेरे घर को तोड़ दिए और मुझे जमीन में पटक दी, जिससे मुझे चोट लगाए, जिस पर अपराध क्रमांक 443/22, धारा 452, 94, 506, 323, 147, 427 कैद किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों की जमीनों पर लोग काफी समय से काबिज हैं और उनका गुजर बसर इसी प्रकार से चल रहा है। हाल में ही प्रदेश सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ अन्य जमीनों की नापजोक कराई जाए, ताकि इस मामले में आगे निर्णय लिए जा सके। इन सबके बावजूद खड़गवा क्षेत्र में जो मामला सामने आया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि पुलिस ने जिन 11 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है, उसमें आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए MCB से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।